Students, today I'm starting with your fourth unit that deals with federal finance, finance commission, imbalances and local state government regarding everything in a federation or federal government. So first of all, सबसे पहले हम federal finance से start करेंगे. Federal फाइनेंस का मतलब होता है एक ऐसा सेंटर और स्टेट, जैसे कहते हैं ना हायरार्की ऑफ द गवर्नमेंट, जहां एग्जिस्ट करती है, फेडरेशन करती है, जहां लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं. जैसे इंडिया में सेंटर है, स्टेट है, उसके बाद लोकल है. इसीलिए कहते हैं कि इंडिया इज अ फेडरल स्टेट और वी कैन से इट इज अ क्वासी फेडरल स्टेट. तो उसके फाइनेंसेस को, उसके एक्सपेंडिचर को, उसके रेवेन्यूज के, इस सेंटर स्टेट को हम कैसे डील करते हैं, किस तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं सेंटर और स्टेट में, इन सब को जो डील करता है, कैसे टैक्सेस का बंटवारा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सब क्या डील करता है, फेडरल फाइनेंस डील करता है. तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे कि फेडरल फाइनेंस का मतलब क्या होता है. जैसे मैंने कहा इंडिया इज हैज अ फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक. अब फेडरलिज्म क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें पॉलिटिकल पावर डिवाइडेड होती है बिटवीन सेंटर एंड लोकल गवर्नमेंट, ताकि हर एक गवर्नमेंट अपने अपने स्फीयर में इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सके. ऐसा सर रॉबर्ट गार्सन ने कहा था. इफ वी टेक द वर्ड्स ऑफ सर रॉबर्ट गार्सन, ही डिफाइंड फेडरलिज्म लाइक दैट. सिमिलरली अगर हम कह सकते हैं कि फेडरल फाइनेंस क्या होता है, फेडरल फाइनेंस डिवीजन है और कोऑर्डिनेशन है ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. जैसे मैंने पहला भी कहा था आपको कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का बिटवीन सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट डिवीजन है. अगर हम प्रोफेसर आर एन भार्गव के वर्ड्स को कोट करते हैं तो हम कहेंगे द टर्म फेडरल फाइनेंस रिफर्स टू द फाइनेंस ऑफ फेडरल एज वेल एज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू. बेसिकली फेडरल फाइनेंस जितने भी इनकम और एक्सपेंडिचर के आइटम्स का डिफ्रेंसिएशन होता है और उनके बेसिस पे रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट है, उसको डील करता है. अब बात आती है कि ये जो फेडरल फाइनेंस है ये किन प्रिंसिपल्स पे चलना चाहिए या चलता है या कोशिश करता है या इसके लिए बने हैं. सो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि इफ आई से कि इंडिया में सबसे ऊपर सेंटर है, उसके बाद स्टेट है, उसके बाद लोकल है, सो हर एक का अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मतलब सेंटर की अपनी जिम्मेदारियां हैं, स्टेट की अपनी, लोकल की अपनी, और हर एक गवर्नमेंट अपने अपने स्फीयर्स में उसके पास ऑटोनॉमी है कि वो अपने तरीके से काम कर सके. स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सब में समान बंटवारा होनी चाहिए. अगर स्टेट है तो सबको, सारे स्टेट्स को सेंटर समान तरह से ट्रीट करेगी. मींस एडिक्वेसी ऑफ मींस एंड फ्लेक्सिबिलिटी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. जो रिसोर्सेज ट्रांसफर हैं, जो चीजें हम स्टेट को दे रहे हैं या लोकल को दे रहे हैं या सेंटर के पास आ रही हैं, उनमें जरूरत के हिसाब से चेंजेस हो सके, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. किसी एक स्टेट में बाय चांस कोई जरूरत पड़ जाती है, नेचुरल क्लामिटी सपोज करो आ जाती है, उस समय अगर हमें रिसोर्सेज को डाइवर्ट करना पड़ता है तो हमारे पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी हम रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर सके. साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी होनी चाहिए. जितने भी रिसोर्सेज ट्रांसफर हो रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, वो सब इकोनॉमिकली यूज हो, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हो. मतलब उन रिसोर्सेज के यूसेज में कंट्रोल मैकेनिज्म हो. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी वायलेट नहीं होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो होना चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज दैट, पीपल अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेज आर ट्रीटेड सिमिलरली एंड अंडर डिस सिमिलर सर्कमस्टांसेज आर ट्रीटेड डिसिमिलरली. सो ऑल द स्टेट्स शुड बी, since all the states are on the equal footing, so all the states should be dealt with same pace. Integration होना चाहिए, coordination होना चाहिए, सब चीजों की accountability होनी चाहिए और साथ ही साथ एक federal supervision होना चाहिए ताकि control mechanism exercise हो सके. So these are the principles which should govern the center and state relationship or which should govern a good federal finance.
लेकिन ऐसा होता नहीं है और प्रॉब्लम ऑफ इम्बैलेंसेस अराइज हो जाती हैं। मतलब जो जिस तरह से वर्क करना चाहिए प्रिंसिपल को, जिस तरह से सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, ऐसा हो नहीं पाता और बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज कर जाती हैं, इम्बैलेंसेस रोज कर जाते हैं। किस फॉर्म में? गैप बिटवीन नीड एंड रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। हमने ये डिस्कस की थी बात कि स्टेट गवर्नमेंट के पास फंक्शंस ज्यादा होते हैं, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जो सेंटर के होते हैं, कुछ टैक्सेस स्टेट के होते हैं, कुछ टैक्सेस सेंटर लगाती है लेकिन स्टेट कलेक्ट करती है। सो स्टेट के पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते जितने उसके पास फंक्शंस होते हैं, उतनी ऑटोनॉमी नहीं होती। सो एक गैप लाई कर जाता है नीड और रिसोर्सेज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, यहां प्रॉब्लम ऑफ इम्बैलेंस शुरू हो जाती है। क्वेश्चन ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी, स्टेट क्या स्टेट पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने क्षेत्र में, अपने जोन में, अपने एरिया में? कैन स्टेट इंडिपेंडेंटली टेक ऑल द डिसीजंस? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। रीजनल इम्बैलेंसेस आते हैं, फाइनेंस कमीशन की इम्पोर्टेंस कम होती नजर आती है। एक और प्रॉब्लम जो फेडरेशन में आता है वो आता है नॉन करस्पॉन्डेंस इन अ फेडरेशन। क्यों? क्योंकि देर इज नो यूनिफॉर्म प्रिंसिपल टू डिटर्मिन एलोकेशन ऑफ फंड। एलोकेशन ऑफ फंड मतलब कि टैक्सेस का बंटवारा सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे होगा, लेकिन फिर भी ये कहा गया है कि कुछ चीजें दिमाग में रखें कि सेंटर और स्टेट शुड फाइनेंशियली बी इंडिपेंडेंट विद इन देयर ओन स्फीयर। जो एलोकेशन ऑफ फंड है वो इक्विटेबल और जस्ट हो टू फुलफिल द प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट एंड सैक्रीफाइस। एडिक्वेट मीन्स हो स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट के पास, उनके पास वो संसाधन हो कि वो अपने जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सकें और जो फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं उन फंक्शंस को करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज जनरेट हो, इतना रेवेन्यू हो वो एडिक्वेट पड़े, उनको कमी ना हो, जिसकी वजह से सेंटर स्टेट और लोकल में फ्रिक्शन जनरेट होता है, एक खिंचाव जनरेट होता है। स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टू बैकवर्ड एंड पुअर स्टेट्स, ऑब्वियसली दैट वुड हेल्प आउट, एंड इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द डिविजन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी फ्लेक्सिबल। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि किसी एक स्टेट में ज्यादा डेवलपमेंट, ज्यादा रिसोर्सेज को डिप्यूट करने की जरूरत है तो ज्यादा उस तरफ इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि जा सके, ताकि डिस्पैरिटी जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं वो कम हो सके बिटवीन रीजन एंड पीपल। सो जो प्रॉब्लम ऑफ इम्बैलेंसेज आती है वो नीड और रिसोर्सेज के बीच में आती है। स्टेट ऑटोनॉमी का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, रीजनल इम्बैलेंसेज का होता है, नॉन करस्पॉन्डेंस का होता है, और इन सब के बीच में ही सेंटर और स्टेट के बीच में फ्रिक्शन अराइज होता है। ये फेडरल फाइनेंस को कैसे हम चलाएं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है। इसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इम्बैलेंसेज भी आते हैं, जिसके बारे में आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो अगर हमें इन इम्बैलेंसेस को कम करना है तो हम क्या कर सकते हैं? कंपैटिबल एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हम लिंक कर सकते हैं, इंटर स्टेट डिस्पैरिटी को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, और सेंटर वो सारे फंक्शंस छोड़ दे जो स्टेट के हैं, ताकि स्टेट के पास पूरी ऑटोनॉमी हो अपने एरिया में काम करने के लिए। फाइनेंशियल मैटर्स में स्टेट को ऑटोनॉमी देना चाहिए और परमानेंट फाइनेंस कमीशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड विद इट्स ओन सेक्रेटरेट। तो अगर हम इन चीजों को यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो प्रॉब्लम ऑफ इम्बैलेंसेस है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। सो दिस कवर्स योर टॉपिक ऑफ फेडरल फाइनेंस, प्रॉब्लम ऑफ इम्बैलेंसेस एंड प्रिंसिपल गवर्निंग फेडरल फाइनेंस। अगले वाले में मैं आपको फाइनेंस कमीशन और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इम्बैलेंसेस के बारे में बात करूंगी। थैंक यू।